बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मोहतरम जनाब चौधरी मोहम्मद अनवर साहब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्रिप्स, मोहतरम सिद्दीक साजिद साहब सदर पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन, मोहतरम चौधरी मोहम्मद मुश्ताक साहब एडिशनल सेक्रेटरी असेंबली, काबिल एहतराम पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स और मजलिस कादी मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। ये बात मेरे लिए वैसे इफ्तिखार है कि कई सालों के तआक्कुल के बाद एक बार फिर बजट रिपोर्टिंग के बारे में वर्कशॉप का इनेकाल किया गया। मैं इस सिलसिले में हूँ असेंबली की मीडिया डिपार्टमेंट, क्रिप्स की इंतजामिया और ख़ास तौर पर पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन की इंतजामिया और मेम्बरान को खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने सीखने के इस अमल को खुश आमदेद कहा और कामयाबी से हम करार किया। मुअज़्ज़ज़ ख़ातिब हज़रात, दुनिया भर में पार्लियामेंट आवाम की उम्मीदों के मुताबिक बजट साजी करती है। पाकिस्तान में 1973 के आईन के मुताबिक हर किस्म का जरी बिल, मनी बिल, बिशमोल मालियाती बिल, फाइनेंस बिल और बजट मंजूर करने का अख्तियार सिर्फ कौमी असेंबली के पास है। ताहम सेनेट ऑफ पाकिस्तान इस सिलसिले में अपनी तजावीज दे सकता है। चूंकि बजट से मुतल्लिक तमाम कार्रवाई पार्लियामेंट में होती है और तमाम महकमों इदारों तरक्याती मंसूबों के लिए माली वसाइल की फराहमी पार्लियामेंट की मंजूरी से होती है, यही वजह है कि पार्लियामेंट को सुप्रीम इदारा कहा जाता है। मजलिस पार्टी वाला बजट के बारे में सही मालूमात का आवाम तक पहुंचना उनका बुनियादी हक है। इस सिलसिले में पार्लियामानी रिपोर्टर्स का किरदार कलीदी है। जब तक किसी रिपोर्टर को बजट के असरार और रमूज और ख़ास तौर पर बजट की दस्तावेजात को पढ़ने और समझने की सलाहियत ना हो, वो मुनासिब रिपोर्टिंग नहीं कर सकता। लिहाजा मुझे खुशी है कि आप हजरात ने बजट के नशे व फराज को समझने के लिए इस वर्कशॉप में भरपूर दिलचस्पी का मुजाहरा किया। मुझे उम्मीद है कि इस वर्कशॉप की वजह से आपको खातर खा फायदा होगा। मैं आपसे ये तो रखता हूँ कि इस वक्त जो है वो इंफॉर्मेशन का दौर है। किसी ने सच कहा है कि इंफॉर्मेशन इज नॉलेज एंड नॉलेज इज पावर। तो आपका बाकी एक कलीदी करना है और मैं समझता हूँ कि पार्लियामान की रिपोर्टिंग करना यहाँ की कार्रवाई को मेनुअल सही तनाजुर में पाकिस्तान के आवाम के पास पहुँचाना आपका जो फरीजा है वो नहायत ही मैं समझता हूँ अहम और हर लिहाज से वो काबिल कदर है कि आप पाकिस्तान के आवाम को पार्लियामेंट के बारे में जो उनकी 22 करोड़ लोगों की दानिश का है, जहाँ से तमाम कानून और दस्तूर के सूते फूटते हैं, उनके बारे में जो सही रिपोर्टिंग है आवाम का भी हक है, आपका फर्ज भी है। और मुझे ये जानकर हमेशा खुशी हुई कि हमारी प्रेस गैलरी में बैठे हुए हमारे दोस्त बड़े अच्छे तरीके से जो है वो रिपोर्टिंग करते हैं। मैं आगे जो खबरें पढ़ता भी हूँ, देखता भी हूँ और ये भी आपको आपके इल्म है कि पहले दिन जिस दिन मैंने हल्फ उठाया आप पर जो भी पाबंदियाँ थीं मैंने उस फौरन उनको खत्म कर दिया था और आप पर कोई पाबंदी नहीं है। आपको किसी किस्म की मालूमात दरकार हो, किसी किस्म की खबर की जरूरत हो, कोई आपकी तकलीफ हो, आपको कौमी असेंबली से किसी मदद की ज़रूरत हो, तो कौमी असेंबली का हमला हर वक्त आपके ताबन के लिए तैयार है। मैं खुद हाजिर हूँ और
आखिर में मेरी एक दफ़ा फिर मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने बड़ी जिम्मेदारी के साथ बजट से पहले ये टेक्निकल मामला होते हैं वो समझना बहुत ज़रूरी है और बगैर समझे हुए तो कुछ भी नहीं हो सकता, तो रिपोर्टिंग तो बिल्कुल ही नहीं हो सकती। इसलिए मैं टिप्स इंतजामिया का भी शुक्रगुजार हूँ, इनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इन्होंने इस अमल को मुकम्मल कराया। और मेरी ये ख्वाहिश है कि टिप्स का इदारा जो है वो बिल्कुल एक इनकलाबी अंदाज से आगे बढ़े और जो जो जिस जिस फील्ड में जिस जिस तरीका से आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो मैं जरूर बैठ कर आपसे डिस्कस करूँगा। और मैं चाहूँगा कि अल्लाह करे कि हमें अब जो है वो हर इदारे पर चाहिए, लेकिन चूँकि ये हमारा अपना इदारा है, कौमी असम्बली के साथ मुंसलिक है, पार्लियामान के साथ मुंसलिक है, तो हम ऐसा अंदाज अपनाएं कि इसका फ़ायदा जो इसके मकासद हैं वो हम पूरा करें। अगर कहीं कमी बेशी है तो उसको ठीक करें, अगर कोई इसमें किसी किस्म का हर्डल है तो उसको दूर करें, लेकिन देखना ये है उस वक्त मुल्क तरक्की करेगा जब हर इदारा जो है वो अपनी जो है वो पूरी सलाहियतों के साथ काम करेगा और हर शख्स अपने काम को बड़ी जिम्मेदारी के साथ निभाएगा। और मैं फिर आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि बजट बहुत अहम दस्तावेज होती है, लेकिन जिस तरह यहाँ जिक्र हुआ हमारे सेक्रेटरी साहबा ने कहा कि वतन अजीज को बहुत सारे मुश्किल इसमें कोई दूसरी राय नहीं, हमारे वसाइल हमारे मसाइल से बहुत कम है और ये मैं समझता हूँ कि डेवलपिंग इकोनॉमीज का और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का आप कह सकते हैं जहाँ वसाइल और मसाइल में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, तो ये एक बहुत बड़ा एक मसला होता है। अब हमने कैसे इससे गुजरना है, उसका मकसद ये तो नहीं है कि हम दुश्नाम तराजी में चले जाएं, हमें दूसरे को नीचा दिखाना शुरू कर दें, हम इसको कोई एक क्रिटिसाइज करना शुरू कर दें, बल्कि मेरी ये ख्वाहिश होगी बतौर स्पीकर कि हम सबको सर जोड़ने पड़ेगा, सबको एक दूसरे का हाथ पकड़ना पड़ेगा और कलेक्टिव विजडम आपकी पेशन को पूरे कार लाते हुए इन मसाइल का हमने सब्र के साथ तहम्मुल के साथ जो है वो मुकाबला करना है, इसका हल निकालना है। और आप जो मीडिया के लोग हैं, जो रिपोर्टर्स एसोसिएशन है, जो आपने तमाम तक जो है वो खबर पहुंचानी है, कोई भी हकायक होते हैं वो आपकी वसाकत से पहुंचते हैं, कोई वाकया होता है वो आपकी वसाकत से अवाम नास तक पहुँचना है, तो आपने भी एक बड़ी जिम्मेदाराना अंदाज से ही अपना फर्ज अदा करना है। और मुझे कभी यकीन है इंशाअल्लाह कि ये मुमलकत खुदादाद जो है इसको वक्ती मुश्किल तो आ सकती हैं, डिफ़िकल्टीज तो आ सकती हैं, माशी प्रॉब्लम तो आ सकती हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इस कौम में बड़ा रिजॉल्व है, बड़े मैं समझता हूँ कि बहादुर लोग हैं, वतन अजीज़ से मोहब्बत करने वाले पाकिस्तानी हैं, हम इंशाअल्लाह ताला इन तमाम मुश्किलात को सर करेंगे और अपनी मंजिल की तरफ पहुंचेंगे। वक्ती जो मुश्किलात हैं महंगाई वगैरह, देखिए तो देखो मैं तो अक्सर कहा करता हूँ कि मैंने बहुत सारे घराने देखे जो बहुत गरीब थे, फिर मैंने अपनी ज़िंदगी में उनको गुरबत से निकलते देखा, मैंने देखा कि वो बिल्कुल ठीक हो। और अगर आप ये केस स्टडी करें किसी घर का, किसी घराने का, किसी खानदान का, तो आपको एक चीज़ उसमें जो है वो आमन नजर आएगी कि वो उन्होंने अपना कलेक्टिव एफर्ट्स और कलेक्टिव विजडम जो है ना और आपस में मोहब्बत और भाईचारा इत्फाक और उससे वो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें भी ये जो है हर किस्म की जो है मुश्किल से जो है वो महफूज रखे और पाकिस्तान ने आगे जाना है, पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है और ख़ास तौर पर नई नस्ल पर हमें बड़ी कॉन्फिडेंस है इंशाल्लाह ताला। और मैं एक दफ़ा फिर मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ,
ट्रिप्स की इंतजामिया को भी बड़े सवाब के साथ अल्लाह ताला जो है वो पाकिस्तान को हर किस्म की मुश्किल से बाहर निकाले और एक अच्छा खूबसूरत तरक्की का खुशियों का सफर शुरू हो सके। बहुत मेहरबानी।